Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm... Okay, so hey guys, welcome back to my channel. Stroke Boy Ashmit back again with a new video. ओके सो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, जिसकी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है हाउ डू आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। सो गाइस, जैसे कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मैं बहुत टाइम से मार्केट वीडियोस, लाइफस्टाइल वीडियोस अपलोड कर रहा था, बट बहुत टाइम से मैंने कोई ग्रूमिंग वीडियो अपलोड नहीं करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ग्रूमिंग वीडियो अपलोड करी जाए। तो अगर आप लोग मुझे जानते हो, फिर नहीं जानते थे, तो करंटली मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में हूँ। तो ये जो वीडियो मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ जो मतलब कॉलेज वगैरह जाते हैं, जो भी अपने कॉलेज अभी लाइफ उनकी स्टार्ट होने वाली है, या फिर कॉलेज में कोई से भी ईयर में है, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ 5 टिप्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप कॉलेज में सबसे अलग दिखोगे, प्लस आप काफी अच्छा फील करोगे और काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। और ये जो टिप्स है मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप भी इनको फॉलो करना अगर आपको कॉलेज में सबसे अलग दिखना है तो। सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं, क्या क्या नहीं। वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो अगर हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हो ऊपर से नीचे तक, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो हमारे बाल। क्योंकि गाइस, आज के टाइम में जो अपना हेयर स्टाइल है, मतलब आज के टाइम में काफी अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल चल रहे हैं और काफी अलग अलग टाइप के हेयर कट चल रहे हैं। बट आज के टाइम में जो बंदे गलती करके आ रहे हैं कि उनको अपने फेस शेप के बारे में नहीं पता, प्लस उनके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा ये बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए काफी ज्यादातर जो बंदे बाल कटवाने के बाद भी बहुत बुरे लगते हैं, बाल बढ़ाने के बाद भी बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके ऊपर कौन से बाल सूट करेंगे कौन से नहीं। तो अभी के लिए मैं आपको पहले उस वाले हेयर स्टाइल मिला दूं, जो भी सोलम ने अपने बाल कटवा रहा है वो आपको बता दें कि कौन से हेयर स्टाइल करवाना चाहिए कौन सा नहीं। सो जाओ देख कर आओ। ओके, इस बार स्टाइल सोलम में आ चुके हैं, अब देखते कैसे हेयरकट होगा। हेयरकट करें आपको भाई बताएं कि तुम कौन से हेयरकट करें कैसे नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिफ है और ये अर्शल सलून पर आए हैं आज। तो हम भाई का मिड फेड हेयर कट करेंगे, जिसमें यहाँ से नीचे का जो एरिया होगा वो बिल्कुल स्किन टच होगा, वहाँ से फेड करते हुए चलेंगे ऊपर तक, स्लोप लाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ पफिंग स्टाइल होगा और यहाँ से थोड़ा स्लाइड रहेगा। तो ये अभी हम हेयर स्टाइल करने वाले हैं। चलो देखते कैसे हेयरकट आता है कैसे नहीं। सो लेट्स गो। Don't think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Sometimes I think that I'm unstoppable. Ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop it, bro. तो वह जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अपने बाल कैसे कटवाया कैसे नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है या फिर कौन सा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर, अगर आप पतले हो तो आपके ऊपर लो फेड अच्छा लगेगा, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी बंदे को देख रहा हूँ वो मिड फेड करा के घूम रहा है, कुछ भी मतलब नहीं, कुछ अच्छा लगे फिर नहीं लगे, सारे मिड फेड करवा के घूम रहे हैं। बट जो मैं हेयर कट करवाता हूँ मैं लो फेड करवाता हूँ, क्योंकि मेरी जॉ लाइन वगैरह अच्छी है तो मेरे पर सूट करती है। बाकी अगर आपको हेयर स्टाइल के ऊपर वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं प्रॉपर एक हेयर स्टाइलिंग वीडियो बता दूंगा कि आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग कौन सा आपका हेयर स्टाइल आपके ऊपर सूट करेगा कौन सा नहीं। बाकी अब तो ये तो बात थी हेयरकट की, आपको कौन सा हेयरकट सूट करना चाहिए कौन सा नहीं, बट अब बात आती है हेयर स्टाइल की। तो एक बाल तो कटवा लोगे आप जैसे आपको कटवाने कैसे नहीं, बस जो मेन चीज वो होती है कि आप अपने हेयर स्टाइल कैसे करते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने पास एक हेयर ड्रायर जरूर लेके रखना, और आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप हेयर वैक्स भी लेना, जिससे अगर आपको भी कहीं भी अच्छा दिखना हो तो आप इजीली अपने हेयर ड्रायर अपने घर पे इजीली बाल सेट करके आप कहीं भी काफी ज्यादा अच्छे दिख सकते हो। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के लिए। तो अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारी स्किन। तो गाइस, अगर आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपकी स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स है, बहुत सारे दाग है, काला गोरा मैटर नहीं करता, बट अगर आपकी स्किन क्लियर नहीं है तो भाई आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखोगे अपने कॉलेज में। सच बता रहा हूँ, मैं जब अपनी स्कूल लाइफ में था, मेरी स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए थे, मैं जैसे मर्जी उठ जाके चले जाता, बट वो गलती आपको स्कूल वाली गलती यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि आपका दिखने का टाइम होता है कि भाई कॉलेज में नहीं दिखोगे तो कहीं पे भी नहीं दिखोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके फेस पे काफी ज्यादा मार्क्स है, पिंपल्स है,
तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को सजेस्ट करो, मतलब किसी भी डॉक्टर अगर दिखाओ अपनी स्किन, वो काफी टाइम मैक्स टू मैक्स एक महीने लगा आपकी स्किन को एकदम क्लियर होने, बट हाँ थोड़े अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा माइल्ड फेस वॉश यूज करो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। सो करेंटली जो मैं फेस वॉश यूज करो वो है ये VLCC का चारकोल फेस वॉश, इसके काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट है। इसने मेरी स्किन को और भी ज्यादा क्लियर बना दिया, प्लस ये मेरी स्किन पे जितना भी ऑयल वगैरह होता है वो भी क्लियर कर देती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो अपने बैग में एक फेस वॉश रख लेना, क्योंकि बाहर धूप वगैरह में घूमते हो तो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल जाता है। तो हाँ आप दिन में 2 या फिर 3 बार फेस वॉश कर सकते हो। सो अब जो हमारा थर्ड टिप है वो है आपकी आउटफिट। तो भाई आपके कपड़े काफी ज्यादा मैटर करता है आपके कॉलेज लाइफ में, क्योंकि स्कूल लाइफ में कि एक ही कपड़े को डेली बेसिस पे पहन के जा रहे हो, धुले ना धुले एक बराबर, यहाँ पे आपके कपड़े देखे जाते हैं और उससे आपको जज कर जाता था कि आप किस टाइप के बंदे हो। अगर आप वही एक ही कपड़े डेली पहन के जा रहे हो, एक ही पैंट डेली पहन के जा रहे हो, तो भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करो, छोड़ दो ये गलती। अगर आपको कॉलेज में अच्छा दिखना, अगर आप चाहते हो कि हर लड़के आपको आके अप्रोच करे, तो बेसिक सी अपनी एक वार्डरोब बना लो, अच्छी खासी बेसिक वार्डरोब, ये नहीं कि चमकीले ढमकीले कपड़े पहन के जा रहे हो। अगर आपको वार्डरोब के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो ड्रॉप कर दूंगा कि आपके जो आपके जो बेसिक एसेंशियल जो कपड़े जो आपके पास होने चाहिए मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। बट ना इसमें बता दूं कि आपके पास एक ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स और एक ग्रे जीन्स होनी चाहिए। ये 3 जीन्स आपके पास होनी चाहिए, जिसको अगर आप हफ्ते में तीनों को दो दो करके पहने तो आपकी इजीली एक हफ्ता आपका निकल जाएगा, फिर आप उसको धोके डाल कर सकते हो। और बाकी ऊपर की बात करें तो अगर आपको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बैड एज बन के रहो भाई, क्योंकि कॉलेज लाइफ में शरीफ बन के रहना कोई फायदा नहीं है, अलग दिखना है तो भाई थोड़े बैड एज वाले कपड़े पहनो, जिससे आप थोड़े कहते हैं ना स्टड दिखो। अगर आपको स्टड दिखना है तो आपको स्टड वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, जिसमें आप डेनिम जैकेट पहन सकते हो, लेदर जैकेट पहन सकते हो, और गर्मी में भाई आप फ्लैनल शर्ट को लेयर कर सकते हो अपने किसी बेसिक सी टी शर्ट के साथ, क्योंकि कॉलेज में तो कूल नहीं दिखना है, कॉलेज में स्टड दिखना है, तो स्टड बन के रहना पड़ेगा, स्टड वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो अब जो हमारी 4 टिप है वो भाई सबसे ज्यादा मेन टिप है, सबसे ज्यादा मेन टिप, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो भाई आप हर किसी की नजर में गिर जाओगे, लिटरली बता रहा हूं गिर जाओगे, क्योंकि जो हमारी 4 टिप्स है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और जो हमारी 4 टिप है वो है हमारे शूज। नहीं नहीं मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप 80,000 रुपए शूज लाओ और लोगों को बोलो तेरा घर जाएगा, तेरा घर जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं करना, लिटरली बताओ तो जो मैं जूते पहनता हूँ मैक्स टू मैक्स 500-600 बस, उससे महंगे जूते नहीं पहनता। बट जो चीज मैटर करती है वो है कि आप अपने जूते किस वे में रखते हो और किस तरह ट्रीट करते हो, क्योंकि आपके जूतों से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पता चलती है। आपके जूते देख के बंदे जज कर लेते हैं कि अगर आपके जूते फटे हुए हैं तो भाई ये बंदा फटीचर है, लिटरली बता रहा हूँ, और ऐसा होता है। ये चीज मैंने खुद ने भी नोटिस करी है, जिस बंदे के जूते एकदम अपने क्लीन रखता है, मैं अपने जूते दिखाऊंगा आपको, मेरे जूते 5-6 महीने हुआ यूज करते हैं, बट उन्हें कोई कह नहीं सकता कि भाई इतने पुराने हैं। तो अगर आप जितनी ज्यादा चीजों को अपनी केयर करो, चाहे वो जूते हो या फिर कुछ भी हो, उतने लोग आपकी केयर करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आप कोई भी जूते पहनो, चाहे वो व्हाइट हो, ब्लैक हो, कोई भी हो, कैनवस वाले हो, कोई भी हो, उसको हमेशा साफ रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई महंगे महंगे जूते पहनो, जो भी पहन रहे हो साफ सुथरे पहनो, अच्छे दिखोगे, क्योंकि चाहे अगर आपके कपड़े वगैरह अच्छे नहीं, अगर अपने जूते अगर अच्छे पहन रखे एकदम क्लियर करके पहन रखे, आपको जूते दूर से चमक रहे हैं वाइट वाइट, तो भाई आपको दूर से बंदा पहचान लगे, भाई लग रहा है कि कोई सामने से बंदा आ रहा है। तो इस टिप को हमेशा फॉलो करना। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा हो अभी तक नई नई टिप सुनने में, और आपको मतलब कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो अब जो हमारी 5th टिप है वो भाई काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो बाकी 4 है वो भी इंपॉर्टेंट तो है ही, बट ये भी काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी 5th टिप है वो है आपकी फ्रेग्रेंस, कि आप कॉलेज में कैसा स्मेल कर रहे हो कैसे नहीं। तो भाई अगर आप कॉलेज में लड़के अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अच्छी स्मेल करने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जो लड़कियों की जो स्मेलिंग सेंस होते हैं वो हम लड़कों से 10 गुना ज्यादा होते हैं। नहीं नहीं कुत्ता उत्ता मत समझ लेना, बट हाँ हमसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम जो लड़के होते हैं हम बेपरवाह होते हैं, हमें किसी से परवाह नहीं होती कि भाई कैसा महक रहे, जब कपड़े वपड़े पहने उठ के चलते बटन ठन के, मतलब कहते हैं ना, बट ऐसा बिल्कुल भी गलत है। अगर एक प्रॉपर को एक अच्छी अपनी पर्सनैलिटी बनाने तो भाई सबसे पहले उसमें से अच्छी स्मेल आनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके कपड़ों की क्वालिटी पता चल जाएगी, कोई बंदी आके आपके साथ में बैठी तो आपको भी अच्छा लगेगा, और वो बंदी भी आपको आगे से कॉम्प्लीमेंट करे कि यार अच्छी स्मेल आ रही है, तो इससे और भी बंदे अट्रैक्ट होते हैं और उससे आपको भी अच्छा फील होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक अपने बैग में एक डिओड्रेंट अच्छा सा 250 से 300 रुपए तक का आपको मिल जाएगा, बाकी ये वाला तो थोड़ा महंगा है, बट हाँ अगर आपको अच्छा अच्छी है तो 250-300 रुपए का आपको मिल जाएगा। बस ये देख के लेना स्मेल उसकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो भैंस, मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी अंडरसेंट उठा के लगा रहे हो,
सस्ता देख के सोचने वाला माल लगा भाई, नहीं गलती से ही मत कर लेना, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो अपने ऊपर अगर आपको अच्छा दिखना है तो आप इजिली इसको लगा के कॉलेज में जाके अच्छा स्मेल कर सकते हो। और इसको अपने बैग में रख लेना, क्योंकि जब भी आपको लगे कि भाई क्योंकि जल्दी जल्दी रेडी होकर जाते हो तो इसको अपने बैग में रखना, आप जाके कॉलेज में भी लगा सकते हो, जिससे इसकी और भी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आए। ओके, तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि मैंने आपको 5 टिप्स बताई, जो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे पता बताने को बहुत सारे टिप्स है, बट जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉपर सिर्फ जो 5 बेसिक टिप्स है वही मैंने आपको बताई। तो इजी टिप्स है जिसमें आपके हेयर, स्किन, कपड़े, शूज और आपकी फ्रेग्रेंस, अगर आपने इन 5 टिप्स को इजीली फॉलो कर लिया ना तो आपको खुद को देखने को मिल जाएगा कि 1 महीने में आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। तो मेरी वीडियो यही तक थी, होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने सारे कॉलेज जितने भी लौंडे लपाड़े हैं सबको शेयर कर देना, जिससे उन्हें पता चल जाए कि खुद को ग्रूम रखना कितना जरूरी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 20,000 सब्सक्राइबर क्रॉस होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और जो उसके बगल में बेल आइकन है वो जरूर दबा देना, जिसमें अभी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मैं जल्दी से वहां पे 1K फॉलोअर्स क्रॉस करवा दो, जितने भी लौंडे लपाड़ है सबको शेयर कर दो भाई फॉलो करने के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे होप।